अभी अभी जापान ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं टोक्यो ओलंपिक में। जिन्होंने यह जीता है उनका नाम है टाकाटो नाहिसा। इन्होंने जूडो में यह जीता है। इनका वजन 60 किलो के अंदर है। चीनी ताइपे के यांग युंग बेई पर इप्पोन द्वारा जीत के बाद ओलंपिक टोक्यो 2020 में जापान ने अपना पहला स्वर्ण पदक विजेता होने का सम्मान मिला है। पहले भी रियो डी जेनेरो में 2016 में इसी इवेंट में ताकाटो कांस पदक विजेता भी थे, उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। लेकिन अब इस बार टोक्यो 2020 ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा चैलेंज से पहले उन्होंने अपने फैन से कहा था कि मैं पिछले 5 सालों से कांस्य पदक विजेता में जीत रहा हूँ। मुझे लगा कि एक अंतर था मेरे और स्वर्ण पदक के बीच में। जीतने के बाद वे फिर खुश हुए थे। वैसे खुश तो सभी होते हैं जीतने के बाद। उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार टोक्यो में मैं मतलब कि टाकाटो नाहिसा स्वर्ण पदक जरूर जीतूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और वो जीत गए जूडो में टाकाटो नाहिसा। इस तरह जापान का पहला गोल्ड मेडल नाहिसा टाकाटो ने जीत लिया है। सबसे पहले इन्होंने ही यह जूडो में जीता है।